हेलो एवरीवन। तो आज की हमारी क्यूपर स्टेटमेंट है, डिस्क्राइब एन इंटरेस्टिंग नेबर ऑफ योर्स। देर आर फोर क्यूज। हाउ लॉन्ग यू हैव नॉन दिस नेबर, वट सॉर्ट ऑफ पर्सन ही और शी इज, हाउ ऑफन यू सी हिम और हर, एक्सप्लेन वट काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू हैव विद हिम और हर, और एक्सप्लेन वाई यू कंसिडर दिस पर्सन टू बी एन इंटरेस्टिंग नेबर। हेयर इज द सैम्पल आंसर, लेट्स रीड द इंट्रोडक्शन। नेबर्स प्ले एन इंडिस्पेंसेबल रोल इन आवर लाइफ। दे आर रियली कंड्यूसिव इन टर्बुलेंट टाइम्स एज दे कैन बी द फर्स्ट रिस्पॉन्डर सिंस दे लिव राइट नेक्स्ट टू अस। बट हेयर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माई नियर बाई रेजिडेंट हुम आई फाइंड रियली इंट्रीगिंग ओइंग टू हर एट्रीब्यूट्स। हर नेम इज सिमरनजीत कौर एंड शी इज 25 ईयर्स ओल्ड। तो इसमें इंट्रोडक्शन में मैंने मेंशन किया है कि नेबर्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। इंडिस्पेंसेबल का मतलब है वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लाइन में कंड्यूसिव वर्ड मैंने यूज़ किया, इसका मतलब है हेल्पफुल। ये काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं क्योंकि वो हमारे घर के पास रहते हैं और यही फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं, मतलब यही सबसे पहले पहुँचते हैं जब भी हमें हेल्प की ज़रूरत होती है। टर्बुलेंट टाइम्स यानी कि मुश्किल के समय को बोलते हैं। पर यहाँ पे मैं एक अपने नेबर की बात करने जा रही हूँ जो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है उसके क्वालिटीज़ की वजह से, एट्रीब्यूट्स की वजह से। उसका नाम सिमरनजीत कौर है और वो 25 ईयर्स की है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई वुड लाइक टू मेंशन हियर इज़ दैट वी हैव बीन नॉन टू ईच अदर सिंस आवर चाइल्डहुड, एज वी यूज टू गो टू स्कूल टुगेदर। सो शी इज़ माई बॉसम फ्रेंड एंड आई मीट हर ऑन रेगुलर बेसिस फॉर माई इवनिंग वॉक। सिंस शी इज़ अ हेल्थ नट एंड ऑलवेज मोटिवेट्स मी टू कीप माई हेल्थ हेल एंड हार्टी। तो इसमें बताया कि सबसे पहले मैंने फ्रेज यूज़ किया है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई वुड लाइक टू मैंशन, कि हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, हम साथ में स्कूल जाया करते थे। ये मेरी बॉसम फ्रेंड है यानी कि बेस्ट फ्रेंड है, और हम लोग रेगुलर बेसिस पे मिलते हैं इवनिंग वॉक के लिए, क्योंकि वो हेल्थ नट है। हेल्थ नट उस पर्सन को बोलते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो अपनी हेल्थ को लेके, और वो मुझे भी हमेशा मोटिवेट करती है कि मैं भी अपनी हेल्थ को हेल्दी रखूं। हेल एंड हार्टी मैंने यहाँ पे ईडियम यूज़ किया है, इसका मतलब है हेल्दी। ओके देन नेक्स्ट पैराग्राफ। देयर आर अदर वेरियस क्वालिटीज विच रियली मेक हर माई फेवरेट पर्सन। शी इज़ रियली एन ईगर बीवर एज शी ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन ऑल द क्लासेज एंड वन मैनी मेडल्स एंड ट्रॉफीज इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। सेकेंडली देयर इज़ वन मोर थिंग विच आई शुडेंट फॉरगेट टू मैंशन इज दैट शी इज़ नॉट ओनली अ बुक वॉर्म बट ऑल्सो द लाइफ एंड सोल ऑफ द पार्टीज सिंस शी इज़ सो चेयरफुल पर्सनैलिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट शी सीज द वर्ल्ड विद डिफरेंट परस्पेक्टिव एंड इज़ नॉट हैविंग एन ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग। लास्ट बट नॉट लीस्ट शी हैज़ अमेजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, सो वेन एवर आई कॉल ऑन हर शी लिसन्स टू मी सो जेनरसली एंड सॉल्व ऑल द इशूज विद जस्ट ब्लिंक ऑफ एन आई। तो इस पैराग्राफ में मैंने उसकी सारी क्वालिटीज़ बताई हैं जिसकी वजह से वो मेरी फेवरेट पर्सन है। तो ईगर बीवर मैंने यहाँ पे ईडियम यूज़ किया है, इसका मतलब है हार्ड वर्किंग। जो पर्सन किसी काम को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हो तो वो काफ़ी हार्ड वर्किंग है। वो जो भी हमारी क्लासेस होती थी सब में वो फर्स्ट आती थी। उसने काफ़ी सारे मेडल्स एंड ट्रॉफीज भी जीते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। सेकेंडली फिर से मैंने फ्रेज यूज़ किया है, वो सिर्फ बुक वॉर्म ही नहीं है, बुक वॉर्म नाउन है। ये उस पर्सन को बोलते हैं जो बुक्स को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दे, बुक्स उसको बहुत पसंद हो, बल्कि वो लाइफ एंड सोल भी है पार्टीज की। जिस लाइफ एंड सोल ऑफ द पार्टीज उस पर्सन को बोलते हैं कि जिसके बिना पार्टीज में मज़ा नहीं आता। जो पर्सन बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होता है, एनर्जेटिक होता है, वो चेयरफुल पर्सनालिटी है। चेयरफुल यानी कि बहुत ही हंसमुख पर्सनालिटी है। इसके अलावा वो दुनिया को बिल्कुल ही अलग नज़रिए से देखती है, और उसकी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग नहीं है यानी कि ट्रेडिशनल और स्ट्रिक्ट थिंकिंग नहीं है उसकी। लास्ट बट नॉट लीस्ट ये भी एक फ्रेज है जिसका मतलब ये है कि ये लास्ट पॉइंट है लेकिन इम्पॉर्टेंट उतना ही है जितने बाकी के हैं। तो उसकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है ना वो भी बहुत अच्छी है। जब भी मैं उसे कॉल करती हूँ वो मुझे बहुत ही ध्यान से सुनती है और मेरी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती है आँख झपकते। हेंस आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव हर इन माई लाइफ एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग शी इज़ रियली डेयर टू माई हार्ट। सो ऑल इन ऑल दिस वॉज ऑल अबाउट अ फैसिनेटिंग नेबर। तो मैं बहुत खुश हूँ कि वो मेरी लाइफ का पार्ट है। सच बताऊँ तो वो मेरे दिल के काफ़ी करीब है। तो ये था एक इंटरेस्टिंग नेबर के बारे में। सो थैंक यू एवरी वन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेज यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट दिस गिवन नंबर।